प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया और डीजल पेट्रोल के बढ़ती महंगाई के खिलाफ मोदी जी का पुतला दहन किया गया। विधायक दिलीप पांडे सिंह ने कहा कि मोदी जी का नारा महिलाओं ने बदल दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। हमारे देश के व्यापारी, युवा, किसान, महिलाएं बढ़ती महंगाई से सब परेशान हैं। मोदी सरकार ने हम महिलाओं को तो आग लगा दी। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 70 दिनों गैस का दाम 200 रुपए की बढ़े है। लगातार डीजल पेट्रोल की दाम बढ़ने से प्रतिदिन उपयोग में लाने वाली वस्तुएं, दान, तेल, दूध महंगी होती जा रही है। रांची महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार देश के किसानों, युवाओं एवं बेरोजगारों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उर्राव जी ने निर्देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एवं जनता के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक डीजल पेट्रोल और गैस का दाम कम नहीं हो जाता। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस नारा को देश की महिलाओं ने वापस बदल दिया। बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। इस नारे के साथ आज देश भर की महिलाओं की भावना जुड़ी हुई है। सारे युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सारे लोग, व्यवसायी हो, सारे लोग बढ़ते पेट्रोल, हीलियम और डीजल के दाम से परेशान हैं। हमारे किचन में आग लगा दिया गया है एलपीजी का दाम बढ़ा करके। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार सड़कों पर हैं और इस आंदोलन में सिर्फ जो नेता हैं वही नहीं बल्कि देश की पूरी जनता जुड़ी हुई है। किसानों के मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना और वो समझते हैं कि इस तरह से महंगाई जो प्रायोजित तरीके से बढ़ाई जा रही है उसको बढ़ा करके हम किसानों से ध्यान हटा देंगे, लेकिन कहीं किसानों से ध्यान नहीं हटने वाला है। किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और हर उस मुद्दे की लड़ाई में जो जनता से जुड़ा हुआ है कांग्रेस उसके साथ खड़ी रहेगी और इसी सिद्धांत के तहत हम लोगों ने लगातार किसानों का मामला हो या आज लोगों का मामला हो हम लोग लगातार आंदोलनरत रहे हैं। पिछले दिनों किसानों के लिए रहते थे, आज पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए हैं। आप सब जानते हैं कि किस तरह से 75 दिनों में 200 रुपये का सिर्फ गैस में वृद्धि की गई है। लगातार आप 70 रुपया से 90-95 रुपये तक पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया है। आम आदमी बहुत परेशान है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे दूध के, फल के, सब्जी का, सबका महंगाई बढ़ेगा। हम समझते हैं दूध में 12 रुपए किलो प्रति किलो दाम बढ़ने की बात हो रही है क्योंकि डीजल और पेट्रोल उस चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लगता है आम लोगों को भी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए। और केंद्र सरकार ना देश का युवाओं के लिए सोच रही है, ना किसानों के लिए सोच रही है, ना आम जनता के लिए सोच रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी के आदेश पर हम अपने आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के निर्देश पर हम सड़क पर उतरे हैं और आपके माध्यम से केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि महंगाई पर काबू पाए करें और डीजल और पेट्रोल और गैस पर जो बेतहाशा रोज दाम की वृद्धि हो रही है उसको रोके, कम करें, नहीं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सदन से लेके सड़क से लेके सदन तक आंदोलन को बाध्य हो जाएगा और केंद्र सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। R9 भारत के लिए विजय कुमार, रांची, झारखंड। आज किरेडारी के सलंगा गांव में रविदास महासभा की ओर से रविदास जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस शुभ अवसर पर मुखिया पार्वती देवी, पवन कुमार दास, अमेरिका राम, जगनारायण राम, कोली राम, विनोद राम, विजय राम, आदित्य राम, सरस्वती देवी, आशा रानी, तमाम सैकड़ों रविदास समाज श्रद्धालु लोग कलश यात्रा में शामिल होकर संत रविदास की पूजा अर्चना धूमधाम से की। एशिया महादेश का सबसे बड़ा कोल प्रोजेक्ट मगध क्षेत्र के चमातू चेक पोस्ट में आगे हाई स्पीड चेक पोस्ट के आगे हाईवा के चपेट में आने से एक मैकेनिक जो बेसरा का रहने वाला है जिनका नाम सुनील उरांव बताया जा रहा है, वह सैनिक कंपनी में रानी एवं ठाकुर ट्रांसपोर्टिंग कंपनी में काम करता था। 11 नंबर बोरियो के पास खराब गाड़ी को बनाने के क्रम में ड्राइवर के अचानक गाड़ी को आगे बढ़ाने से गाड़ी में काम कर रहे कर्मी को बुरी तरह से रौंद दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सुपरवाइजर ने बाइक जिसका नंबर
नंबर JH11T2243 से आया और बाइक को खड़ा किया और हाईवे गाड़ी को लेकर भगाने में सफल रहा। कंपनी में गाड़ी का मैकेनिक काम करता था। मृतक सैनिक ट्रांसपोर्ट का कर्मी था। सूत्रों के मुताबिक बरियातू प्रखंड के बेसरा गांव में सुनील उराव, जो लगभग 22 वर्ष का है, इसकी एक छोटी लड़की भी है। अभी तक कंपनी का कोई भी पदाधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है। समाचार लिखे जाने तक परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। R9 भारत के लिए प्रफुल्ल पांडे की रिपोर्ट, बालूमान। रांची के पंडारा थाना क्षेत्र के राधा नगर में बीरेंद्र साव के मकान से भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद किया गया। पंडारा थाना प्रभारी ने बताया कि नशीली दवा कहां से आती है और कहां बिक्री होती थी, अभी इस पर जांच किया जा रहा है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ किया जा रहा है। एक व्यक्ति अभी फरार है, उसके लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जाँच के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। बीरेंद्र साव के मकान में छिपा कर रखे गए कोडेन और बहुत सी नशीली दवाई जो है बरामद हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुआ है और उसमें जो है आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें ये जो जिनके यहाँ मिला दवा, कि पहले से भी ऐसा कुछ सूचना था क्या, पहले से भी ये कारोबार? एक व्यक्ति का नाम आया है जिसकी गिरफ्तारी होना बाकी है। उसमें हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, गिरफ्तारी होने के बाद और आगे की खुलासा हो सकेगा कि कहाँ से मंगाया जाता है और कहाँ बिक्री होता था और कौन रखता था, कैसे ये कारोबार होता था, उसका आगे का अनुसंधान आगे प्रक्रिया किया जा रहा है, छापेमारी जा रही है। R9 भारत के लिए विजय कुमार, रांची, झारखंड। जिले में बीते दिन हुई केरोसिन तेल दुखद घटना में मृतकों के परिवार को उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने चार मृतकों के आश्रितों को आपदा प्रबंधन कोष से 4-4 लाख रुपए की चेक दी गई। मृतक सविता देवी 28 वर्ष तथा आयुष कुमार 11 वर्ष अमनारी निवासी के परिवार जन बसंत ठाकुर के एवं मृतक सुमन कुमारी 2.5 वर्ष पार्डी चुटियारो के परिवार जन केदार राम को 4-4 लाख रुपए की राशि का चेक दिया गया। वहीं देवांती देवी 76 वर्ष डूमर चुटियारो के परिजन के उपस्थित नहीं रहने के कारण उनके परिजनों को मुआवजा राशि नहीं दिया जा सकता। ये मुआवजा राशि उनके आने के उपरांत दी जाएगी। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि इस केरोसिन तेल दुर्घटना के घायलों को आयुष्मान योजना के तहत समुचित इलाज किया जाएगा, साथ ही आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप सहायता राशि पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा। R9 भारत के लिए विजय कुमार, रांची, झारखंड।